पुष्पशाला एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दी है। रिपोर्ट 2000 पन्नों की है जिसमें 1700 से अधिक प्रमाण और अवशेष शामिल हैं। हाई कोर्ट इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। धार की भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस पर इंदौर हाईकोर्ट में बहस चल रही है। सोमवार को 98 दिनों के सर्वे के बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में 94 सामान, टूटी मूर्तियां, शिलालेख और संस्कृत के श्लोक मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ माँ वाग देवी का मंदिर था और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। वही मुस्लिम पक्ष का कहना है देश की सर्वोच्च अदालत मामले को सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट के अंदर कोई फिजिकल एक्सकवेशन नहीं होना चाहिए, फिर भी एएसआई द्वारा वहाँ फिजिकल एक्सकवेशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा कंटेम लगा है और एएसआई को भी वहां से नोटिस जारी हुआ है। 1902-03 में इसका सर्वे हो चुका है। आर्कोलॉजिकल पहले ही इसको कमाल मोला मास्क बोल चुका है। सूत्रों के मुताबिक वैज्ञानिक सर्वे के प्रमुख तथ्य हैं खुदाई में वाग देवी, हनुमान जी, गणेश जी समेत अन्य देवी प्रतिमा, शंख चक्र सहित 94 अवशेष मिले हैं। उत्तर पूर्वी कोना और दरगाह के पश्चिमी हिस्से में श्री कृष्ण वासुकी नाग और शिव जी की प्रतिमा मिली है। उत्तर दक्षिणी कोने में स्तंभ, तलवार, दीवारों के 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले हैं। यज्ञशाला के पास सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले हैं। स्तंभों पर सीताराम, ओम नमः शिवाय की आकृतियां चिन्हित हुई हैं। शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस की तस्वीरें मिली हैं। एक शिलालेख के शुरुआती छंदों में परमार वंश के उदयादित्य के पुत्र राजा नरवर्मन के शासन का उल्लेख है। सभी संस्कृत और प्राकृतिक शिलालेख अरबी और फारसी शिलालेखों के पहले के हैं। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति है तो शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की। हिंदू पक्ष इसे वाग देवी माँ सरस्वती का मंदिर मानता है तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कमाल मौला मस्जिद है। दोनों पक्षों के दावों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है। भोपाल में अपने सहयोगी रिजवान खान, साबिर समीर और दिल्ली से आशीष भार्गव के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।